केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने नैनीताल में दुग्ध संघ के 74 वर्ष में पहली बार 61,76,00,000 की लागत से 1,50,000 की दैनिक क्षमता का आधुनिकता डेयरी प्लांट निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके पश्चात उन्होंने डेयरी प्रशिक्षण संस्था में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित दुग्ध और डेयरी विकास कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत दुग्ध का अत्याधुनिक प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जिसमें पहली किश्त के रूप में धनराशि भी प्राप्त हो गई है, जिसका कार्य शुरू किया जाएगा। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। सरकार से हमें राज्य सरकार और हमारे अधिकारियों के प्रयास से 61,74,00,000 रुपए मिले हैं 1,50,000 लीटर कैपेसिटी का डेयरी स्थापित करने के लिए। उसके संबंध में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा यहाँ निरीक्षण करने आए थे और वो बिल्कुल आधुनिक प्लांट होगा। मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 61,74,00,000 रुपये लगभग 62 करोड़ ही इसको मानिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत यहाँ पर कम से कम 1,50,000 लीटर की कैपेसिटी का जो दुग्ध संघ का प्लांट इत्यादि जो सारी चीज़ें होती हैं उसको बनाने के लिए स्वीकृति दी है श्रीमान मुस्कुर धामी जी के अथक प्रयासों से और माननीय अजय भट्ट जी जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री उनके सहयोग से हमको एक भारी भरकम बजट नैनीताल दुग्ध संघ के लिए लगभग 61,74,00,000 रुपए का स्वीकृत हुआ है। मैं उसके लिए पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी का और माननीय क्षेत्र के जनप्रिय सांसद अजय भट्ट जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और निश्चित रूप से जहाँ से हमको धनराशि मिलती है तो उसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय अजय भट्ट जी